हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के डाला था कि मुंबई यूनिवर्सिटी क्लोज मतलब बंद हो चुका है। इसके रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी डाला है मेरे वेबसाइट, जिसका मैंने लिंक भी दिया था वीडियो के नीचे। अब ये स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं, क्या मुंबई यूनिवर्सिटी बंद है तो हम मुंबई यूनिवर्सिटी विजिट नहीं कर सकते, कोई इंक्वायरी नहीं निकाल सकते, तो क्या सर एग्जाम भी हमारा कैंसिल हो रहा है, एग्जाम भी हमारा पोस्टपोन हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसके रिलेटेड भी एक नोटिस रिलीज कर दिया है कि जिनका एग्जाम अभी चल रहा है वे सभी स्टूडेंट सोच रहे कि क्या हमारा भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, हमारा भी एग्जाम कैंसल हो जाएगा। तो उसके रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस रिलीज करके क्या बोला है जरा देख लेते हैं। नोटिस ऑफ ऑन गोइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, किन किन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सीबीसी पैटर्न सेमेस्टर वन, FYBA हो, FYBCOM हो, ये फ्रेशर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, BSc IT फ्रेशर, ठीक है, सेमेस्टर वन, MSc MA मैथमेटिक्स फ्रेशर, MSc IT फ्रेशर, MCA ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोर फ्रेशर, ये सभी स्टूडेंट, साथ ही साथ स्टूडेंट ऑफ नॉन सीबीसी, जो नॉन सीबीसी स्टूडेंट है जिनका सेमिस्टर पैटर्न है BSc IT रिपीटर, ठीक है, सेमिस्टर थ्री BSc IT फ्रेशर एंड रिपीटर, सेमिस्टर फाइव BSc IT फ्रेशर एंड रिपीटर, सेमिस्टर वन MCA ऑनलाइन ऑफलाइन मोर रिपीटर, सेमिस्टर थर्ड MCA ऑनलाइन ऑफलाइन मोर फ्रेशर एंड रिपीटर, सेमिस्टर फाइव MCA ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, फिर फ्रेशर एंड रिपीटर, फिर PGDFM एंड PGDORM फ्रेशर एंड रिपीटर सेमेस्टर टू, ठीक है, फिर PGDFM एंड PGDORM रिपीटर एंड सेमेस्टर टू MCA ऑनलाइन ऑफलाइन मोड रिपीटर, ठीक है, सेमेस्टर फोर। दोस्तों ये दिख रहा है जो आपको MCA ऑनलाइन ऑफलाइन मोड रिपीटर के लिए है, सेमेस्टर फोर MCA रिपीटर के लिए, इन सभी स्टूडेंट जितना भी इधर से लेके दोस्तों मैंने इधर तक का आपको स्टूडेंट के नाम बताया है, इन सभी स्टूडेंट के बारे में क्या है अब नीचे देख लीजिए। द स्टूडेंट हेयर बाय इन्फॉर्म द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर अबो द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल। मतलब कि आप लोगों को जो भी टाइम टेबल दिया हुआ था सीबीसी पैटर्न एंड नॉन सीबीसी पैटर्न, किन किन स्टूडेंट जो मैंने आपको इधर बता दिया और आपको इधर दिख भी रहा है और इसके रिलेटेड मैं आर्टिकल भी रिलीज कर दूंगा कुछ टाइम बाद, इन सभी का एग्जाम होने वाला है, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। एज पर शेड्यूल जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बनाया था उसी शेड्यूल बेस पे ही एग्जाम होने वाला है। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड एग्जामिनेशन काइंडली कॉन्टेक्ट द फॉलोइंग नंबर, उन्होंने एकदम साफ साफ बोला है अगर एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। और टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है 9 to 6 और नीचे अगर आप जाओगे तो मॉर्निंग 10 to 5 PM तक का है वर्किंग आवर्स। तो आप जिस नंबर पे कॉल करना चाहते हो कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सोचना गलत होगा कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया जिनका अभी एग्जाम चल रहा था। और जिन स्टूडेंट का आने वाला है FY SY TY स्टूडेंट जो BCOM के थे, ठीक है, इन स्टूडेंट को भी लगे कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो डेट दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको आपकी तैयारी उसी डेट पे करना है, कोई भी डेट चेंज नहीं हो रहा है। तो प्लीज आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा, इस वीडियो का मकसद मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो का एक मकसद है जो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज आप इस चीज में मेरी हेल्प जरूर करना। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।